नमस्कार दोस्तों, आपको YouTube में बहुत सारे जानकारी दिया जाता है कि ये लगा लीजिए आपके दाद खाज खुजली ठीक हो जाएंगे, वो लगा लीजिए आपके दाद खाज खुजली ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं जो ये पौधे, इसे रायमुनिया के नाम से जानते हैं, पुटरूस के नाम से जानते हैं, ऐसे कई जगह घनेरी के नाम से भी जाना जाता है। आपके यहाँ इसे कौन सी नाम से जाना जाता है कृपया कर कॉमेंट में हमें जरूर बताना। मैं आप लोगों को इसके माध्यम से चर्म रोग की बीमारी ठीक करने वाला घरेलू उपाय बताऊंगा। चर्म रोग में जैसे कि दाद खाज खुजली, एक्जिमा, यहाँ तक कि कोड़ा और सफेद दाग की बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। दोस्तों इसके अवधि लाभ बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे आसपास में पाए जाने वाले जो वनस्पति होती हैं इसके औषधि गुणों की जानकारी आपको भी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू वाला बेल आइकन जो होता है वो भी प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि हमारे आसपास में पाए जाने वाले वनस्पति की जानकारी मेरे चैनल में जुड़े हुए सभी सदस्यों को हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बहुत ही लंबे समय से दाद खाज खुजली से परेशान है, 5 साल पुराने हो चाहे 10 साल पुराने हो, ये रायमुनिया के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। इसके फल आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कुछ तरह से होती है और बहुत ही आसानी से आपको जैसे झाड़ी नुमा जगह रहते हैं या जहां पे बंजर जगह रहते हैं वहां पे बहुत ही आसानी से उगा हुआ मिल जाते हैं, कांटेदार जगहों में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों तो करना क्या है, सिंपल सी आपको इसके पत्ते लेनी है, कम से कम आप जो है इसके 20 ग्राम पत्ते ले लीजिए और इसे पीस करके आपको पेस्ट बना लेनी है। फिर इसके पेस्ट में आपको आवश्यकता अनुसार नींबू का रस मिला देना है, कम से कम 5 से 7 बूंदी नींबू का रस मिला देनी है और आपको आधा चम्मच की मात्रा में हल्दी मिला देनी है। इसके बाद इसके पेस्ट बन करके तैयार हो जाएंगे। फिर इसके बने हुए पेस्ट को आपको दाद खाज खुजली, एक्जिमा, चर्म और यहाँ तक कि अगर आप कोड़ के बीमारी में लगाते हैं तो कोड़ के बीमारी भी 1 महीने में ठीक हो जाते हैं। दाद खाज खुजली है तो मुश्किल से 7 दिन लगेंगे, 7 दिनों के भीतर में कैसा भी दाद खाज खुजली हो हमेशा जड़ से समाप्त हो जाते हैं, लेकिन लगाने के सही तरीका आपको पता होना चाहिए। कैसा लगाना वो भी जान लीजिए। गर्म पानी से आपको अपने दाद खाज खुजली वाले हिस्से को धो लेनी है, इसके बाद इसके बने हुए पेस्ट को आपको लगानी है और यह उपाय आपको दिन में 2 बार जरूर करना है। यह उपाय आपको 7 दिनों तक करना है, कैसा भी आपके दाद खाज खुजली हो इस पौधे के माध्यम से बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे छोटी सी जानकारी घनेरी की जो कि आप लोगों के साथ में शेयर किया। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आसपास में पाए जाने वाले वनस्पति की औषधि गुणों की जानकारी आपको भी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और अपने कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।